मूवी की शुरुआत में हमें एक मेडिकल रिसर्च सेंटर को दिखाया जाता है जिनमें कुछ चिंपैंजियों को कैद किया गया है और उन पर कोई मेडिकल एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तब वहां पर कुछ लोग आते हैं और वो उन बंदरों को वहां से छुड़ाना चाहते हैं, मगर तब उसी रिसर्च सेंटर का एक स्टाफ आता है और वो उन्हें ऐसा करने से मना करता है और बताता है कि उन सब चिंपैंजियों को एक वायरस से इन्फेक्टेड किया गया है जो किसी भी जीव में गुस्से की भावना पैदा करता है। तुम उन पिंजरों को मत खोलना, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। लेकिन उसके ये सब कहने के बावजूद भी एक लड़की उस पिंजरे को खोल देती है और वो बंदर उस लड़की पर टूट पड़ता है और उसे काटते ही वो लड़की एक जॉम्बी बन जाती है। बाद में वो सभी दूसरे लोगों को काटने लगती हैं। इस घटना को 28 दिन बीत जाते हैं और अब हम किसी हॉस्पिटल में पड़े हुए एक लड़के को देखते हैं जो अपने बेड से खड़ा होता है और बाहर निकलकर जोर जोर से चिल्लाते हुए हेलो कहता है, मगर वहां पर उसे सुनने वाला कोई नहीं होता है। चारों तरफ बस तोड़ फोड़ के साथ एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ होता है। अब वो लड़का सड़क पर पड़ी हुई कुछ खाने पीने की चीजें उठाता है और वहां से आगे निकल जाता है। आगे जाने पर वो एक चर्च में पहुंचता है, तब वो देखता है कि वहां पर सैकड़ों लोग मरे पड़े हैं। जब वो हेलो कहता है तब अचानक से कुछ मुर्दे खड़े हो जाते हैं। असल में वो सब जॉम्बी होते हैं जिनसे डरकर वो वहाँ से भागने लगता है, मगर जॉम्बियों की एक बड़ी भीड़ उसके पीछे पड़ जाती है। उसे भागते भागते दो आदमी मिलते हैं जो उसकी मदद कर उसे बचा लेते हैं। वो दोनों एक लड़का और लड़की होते हैं जिनका नाम मार्ग और सेलिना होता है। वो उस लड़के को अपने बारे में कुछ बताने को कहते हैं तो वो बताता है कि मेरा नाम जिम है और मैं अपनी साइकिल से लोगों को उनके कुरियर पहुंचाता था, मगर एक दिन मेरा एक्सीडेंट होने से मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और उसके बाद से मुझे कुछ भी पता नहीं है। तब वो उन दोनों से लोगों के इस अजीब व्यवहार के बारे में पूछता है। तब सेलिना बताते हैं कि ये आज से 28 दिन पहले की बात है जब हमें अखबारों में इस वायरस के बारे में बताया गया, लेकिन लोगों ने इसे सीरियस नहीं लिया जिससे धीरे धीरे ये छोटे गांव और शहरों में फैलने लगा और हमारी आंखों के सामने सब लोग ज़ॉम्बी बन गए। हम दोनों के पेरेंट्स भी मारे गए। अब इस धरती पर कोई बिजली पानी की सुविधा नहीं रही। बहुत कम लोग इस वायरस से बच पाए हैं। ये खून में पाया जाने वाला एक ज़ॉम्बी वायरस है। तब जिम कहता है कि अब हमें सरकार से मदद मांगनी चाहिए, मगर वो बताते हैं कि अब इस दुनिया में कोई सरकार नहीं है और ना ही कोई आर्मी है। इस वायरस का इन्फेक्शन इतना तेज था कि आर्मी और स्पेशल फोर्स भी कुछ नहीं कर सकी और अब सब कुछ तबाह हो गया है। हम बचेंगे तो सिर्फ अपने खुद के भरोसे पर। ये सुनकर जिम बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि अब वो अपने मॉम और डैड को मिस कर रहा था। तब मार्क कहता है कि तुम ज्यादा दुखी मत हो, कल हम तुम्हारे घर चलेंगे। नेक्स्ट डे वो तीनों जिम के घर की ओर निकल जाते हैं। वहां जाकर जिम देखता है कि उसके मॉम और डैड बेड पर मरे हुए हैं और उसकी माँ के हाथ में जिम का फोटो है और उसी फोटो के पीछे उसने जिम को एक मैसेज दिया है जिसमें वो कहते हैं कि हम दोनों एक गहरी नींद में सोने जा रहे हैं और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। ये सब देखकर जिम बहुत ज्यादा दुखी होता है। अब रात हो चुकी थी और वो तीनों वहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। रात को जब जिम खिड़की के पास खड़ा होता है तब अचानक से दो ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देते हैं, मगर सेलिना और मार्ग उसे उनसे छुड़ाते हैं। उस समय जिम तो बच जाता है मगर मार्ग वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है और सेलिना बिना कुछ सोचे समझे मार्ग को मार देती है और अब वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। सेलिना बताती है कि अगर हम इन्फेक्टेड व्यक्ति को 20 से 30 सेकंड में मार दे तो वो ज़ॉम्बी नहीं बनता है, इसलिए मैंने मार्ग को मार दिया था। अब जब वो दोनों आगे जाते हैं तो उन्हें एक बिल्डिंग से कुछ लाइट्स झपकते हुए नजर आती हैं, इसलिए वो वहाँ पर जाते हैं और जब उस बिल्डिंग पर चढ़ रहे होते हैं तब कुछ ज़ॉम्बी वहाँ पर आ जाते हैं और वो उनको चेस करने लगते हैं, लेकिन एक आदमी उन्हें बचा लेता है और अब वो सभी उस अपार्टमेंट के अंदर सेफ होते हैं। उस बिल्डिंग में एक सीनियर आदमी और उसकी बेटी दो ही रहते हैं जिनका नाम फ्रैंक और हैना होता है। वो दोनों जिंदा इंसानों को देखकर काफी खुश होते हैं और रात को सभी लोग साथ में खाना खाते हैं। उस रात जब जिम शेविंग कर रहा होता है तब फ्रैंक उसके पास आता है और बताता है कि अब हमारे पास ज्यादा पानी नहीं है और इसलिए हमें पोटी वगैरह बाल्टियों में ही करनी पड़ती है, इसलिए हमें जिंदा रहने के लिए जल्द से जल्द किसी दूसरी सुरक्षित जगह को ढूंढना होगा। इसके बाद वो सब सोने के लिए चले जाते हैं। तब जिम सेलिना को बताता है कि ये लोग बहुत अच्छे आदमी हैं और हमें इनके साथ रहना चाहिए, मगर सेलिना कहते हैं कि हमें खुद को जिंदा रहना है, दूसरों की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। मगर जिम एक दरिया दिल आदमी होता है और वो चाहता है कि हम लोग सब साथ रहे। अगली सुबह फ्रैंक को एक रेडियो सिग्नल मिलता है जिसमें एक आदमी बताता है कि हम सोल्जर हैं और हमारे पास कई जिंदा लोग हैं, अगर इस पॉडकास्ट को कोई सुन रहा है तो वो बताए हुए एड्रेस पर पहुंचे जहां पर हम सब आपकी मदद जरूर करेंगे। दरअसल वो एक रिकॉर्डेड पॉडकास्ट होता है, इसलिए अब वो श्योर नहीं है कि वहां पर जाने पर उन्हें कोई मदद मिले। हो सकता है कि वहां पर भी कोई ज़ॉम्बी अटैक हो चुका हो, मगर अब उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए वो सभी उस जगह पर जाने का फैसला करते हैं और एक वैन में अपना सामान पैक करके उस जगह के लिए निकल जाते हैं जो वहां से तकरीबन 27 मील दूर होती है। आगे जाकर रास्ते में उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और उस समय वहां पर ज़ॉम्बी भी आ जाते हैं, मगर अपनी सूझबूझ से वो सभी वहां से बच निकलते हैं। आगे जाकर उन्हें एक मॉल दिखाई देता है जिसमें वो खूब मस्ती के साथ खाने पीने की चीजें ले लेते हैं और आगे की यात्रा के लिए निकल जाते हैं। बीच रास्ते में वो एक ट्रक से फ्यूल भी ले लेते हैं ताकि बाद में उनको कोई परेशानी न हो और इस तरह शाम तक वो लगभग आधी दूरी तय करते हैं। अब वो लोग एक नदी के किनारे बैठकर कुछ खा पी लेते हैं। उस समय सेलिना जिम से कहती है कि मैं अपने आप पर गलत थी, वास्तव में फ्रैंक
एक अच्छा आदमी है और इस तरह उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उस रात वो सभी वहीं पर खुले आसमान के नीचे सोने का आनंद लेते हैं और जब जिम सुबह जगता है तब तक वो सभी अपना नाश्ता और सामान पैक कर चुके थे। अब वो लोग आगे की ओर निकल जाते हैं और उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जिसका जिक्र उस पॉडकास्ट में किया गया था, मगर उन्हें वहां पर कोई नहीं मिलता है जिसकी वजह से वो काफी निराश होते हैं। उस समय एक कौवा फाटक पर बैठा चिल्ला रहा था और उसकी वजह से फ्रैंक को काफी गुस्सा आता है और वो जोर से उस फाटक को लात मारता है जिसकी वजह से उस पर पड़ी एक इन्फेक्टेड डेड बॉडी से ब्लड की ड्रॉप फ्रैंक की आंख में गिर जाती है जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। और सेलिना जिम को उसे मारने के लिए कहती है लेकिन तब अचानक से पीछे से कोई फ्रैंक पर गोलियां चलाता है जिससे वो मर जाता है। अब कुछ सोल्जर उन तीनों को गाड़ी में बैठा कर किसी दूसरी जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक मेजर मिलता है जिसका नाम हेनरी वेस्ट होता है। वो उन तीनों को बताता है कि यहाँ पर हम दूसरी जगहों के बजाय काफी सुरक्षित हैं। सोने के लिए आपको आरामदायक पलंग मिल जाएंगे और खाने के लिए भरपूर खाना भी। सबसे पहले आप नहा लीजिए और अपने कपड़े चेंज कर लीजिए। अब वो सभी नहाते हैं और आराम करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मेजर जिम को बताता है कि इस वायरस का कोई इलाज नहीं है लेकिन तुम चिंता मत करो, यहाँ पर हम सब लोग सुरक्षित हैं, क्योंकि उन्होंने उस बिल्डिंग के चारों और उनकी दीवारों के साथ कुछ जवान भी तैनात किए हुए थे जो 24 घंटे उस बिल्डिंग की सुरक्षा करते हैं। अब मेजर जिम को एक इन्फेक्टेड सोल्जर से मिलाता है जिसका नाम मेला होता है जो कि पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल चुका था। उसे वहां पर एक चैन से बांधा हुआ होता है। तब जिम मेजर से पूछता है कि आपने इसे मारा क्यों नहीं। तब मेजर बताता है कि हम इसके सिम्टम को रीड करके इस वायरस की वैक्सीन बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हम फिर से मानव सभ्यता को बसा सके। उस रात को सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं तभी अचानक कुछ ज़ॉम्बी वहां पर आ जाते हैं और सारे सैनिक मिलकर उन सबको मार देते हैं। उस समय एक जवान सेलिना के साथ बदतमीजी करने लगता है और ये देखकर जिम उस पर टूट पड़ता है, लेकिन एक और सैनिक जिम को पीटने लगता है। तभी वहां पर मेजर आ जाता है और वो उन सैनिकों को डांट कर वहां से बाहर भेज देता है। अब मेजर जिम को बताता है कि ये सब सैनिक अपने जीने की शक्ति खो चुके थे। तब मैंने इन्हें यह कहकर साहस बंधाया कि हमें जरूर कोई औरत मिलेगी और फिर से आप लोगों की जिंदगी में रंग आएगा, इसलिए मैंने इन सबको एक औरत देने का वादा किया है और वो जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए भी जरूरी है, इसलिए मैं इन दोनों लड़कियों को नहीं छोड़ सकता। ये सुनते ही जिम वहां से भागते हुए सेलिना और हेना के पास जाता है और दोनों को लेकर उन्हें वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन तब तक मेजर के सैनिक वहां पर आ जाते हैं और वो उन सभी को पकड़ लेते हैं। लेकिन एक सैनिक जिम को सपोर्ट करता है इसलिए दूसरे सैनिक उसे भी पकड़कर उन दोनों को बांध देते हैं और उन दोनों लड़कियों के जबरदस्ती कपड़े चेंज करते हैं। अब दो सैनिक उन दोनों को जंगल में ले जाते हैं ताकि वहां पर जाकर उन्हें मार सके, लेकिन जिम उन दोनों को धोखा देकर उनसे बच निकलता है। अब जिम दूसरी ओर जाकर जोर जोर से सायरन को बजाता है जिसे सुनकर मेजर और एक सैनिक वहां पर उसे ढूंढने के लिए आते हैं और उस समय चालाकी से जिम एक सैनिक को मार देता है। अब अकेला मेजर ही वहां पर बचा होता है जिसके पीछे कई सारे ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जिम मेला को उसकी चैन से फ्री कर देता है और वो अंदर जाकर दूसरे सैनिकों पर हमला कर उन्हें भी ज़ॉम्बी बना देता है। तब सेलिना और हेना वहां से भाग जाती है लेकिन एक सैनिक उन दोनों को लेकर ऊपर के कमरे में चला जाता है। अब जिम सैनिकों को मारते मारते सेलिना तक पहुंच जाता है और वो उस सोल्जर को एक ज़ॉम्बी की तरह मार देता है। सेलिना सोचते हैं कि जिम भी अब ज़ॉम्बी बन चुका है मगर वो इन्फेक्टेड नहीं होता है। अब वो तीनों वहां से बाहर निकलकर अपनी उसी वैन की ओर भागते हैं लेकिन उस वैन में पहले से ही मेजर बैठा था और वो जिम को गोली मार देता है। तब हेना अचानक गाड़ी को स्टार्ट कर उसे रिवर्स में चलाती हैं जिससे पीछे से आ रहा मेला मेजर को मार देता है और अब वो दोनों जिम को गाड़ी में बैठाकर वहां से निकल जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि 28 दिन और बीत जाते हैं और जिम अपने बेड पर सोया हुआ होता है। वहीं सेलिना सीलिंग मशीन से कुछ सील रही होती हैं और हेना बाहर मैदान में कुछ पट्टियां बिछा रही होती हैं। असल में वो उन कपड़ों से बड़ा सा हेलो बना रहे हैं और उस समय एक जेट उनके ऊपर से उड़ता है जो उनके बनाए हुए हेलो को देख लेते हैं जिससे वो सभी अपनी इस सफलता से खुशी से झूम उठते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे किसी नई दिन नई कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।